अभी हाल ही में एक खबर आई थी कि अमेरिका में एक खास तरह के कीट यानी कीड़ा 17 साल बाद जमीन के नीचे से निकल रहे हैं। अब ये कीड़े एक बार फिर से चर्चा में हैं, क्योंकि इन कीटों ने अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पर भी हमला कर दिया। राष्ट्रपति जो बाइडेन की पहली विदेश यात्रा में इन कीड़ों ने खलल डालने का काम किया है। यही नहीं, ये कीड़े सभी सुरक्षा घेरों को तोड़ते हुए बाइडेन के पास तक पहुंच गए। दरअसल बाइडेन जब बुधवार को अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए ज्वाइंट बेस एड्रियोज पहुंचे, उस दौरान वायुसेना के अधिकारियों के साथ बातचीत करते वक्त एक कीट उनकी गर्दन के पीछे आकर बैठ गया था, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने उसे अपने हाथों से हटाया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस घटना के बाद बाइडेन ने वहां मौजूद पत्रकारों से भी कहा कि आप लोग भी सिकाडा से सावधान रहें। अभी एक मेरे ऊपर आकर बैठ गया था। यहां आपको ये भी बता दें कि बाइडेन की पहली विदेश यात्रा के लिए दर्जनों पत्रकार उनके साथ यूनाइटेड किंगडम जा रहे थे। इन पत्रकारों के चार्टर्ड प्लेन को भी सिकाडा कीड़ों ने अपना शिकार बनाया और इसके कारण इस प्लेन को 7 घंटों के बाद चलाया जा सका था। कहा जा रहा है कि ये कीड़े प्लेन के इंजन में घुस गए थे, जिसके चलते इस फ्लाइट के टाइम को काफी आगे बढ़ाना पड़ा। बता दें कि प्रेस के विमान का इंतजाम व्हाइट हाउस की सहायता से किया जाता है और पत्रकारों को उनके खर्च पर ले जाया जाता है। गौरतलब है कि वाशिंगटन डीसी क्षेत्र अमेरिका के उन कई हिस्सों में से एक है जो सिकाडा के झुंड से प्रभावित है। ये सिकाडा कीड़े धीरे धीरे अमेरिका के 15 राज्यों से उभर रहे हैं। इससे पहले सिकाडा साल 2004 में बाहर आए थे और अब 17 सालों बाद ये फिर से बाहर आए हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय दें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।